नीरू बाजवा पंजाब दी वो एक्ट्रेस हैगी है जिन्हें मतलब कि इतिहास जड़ा वो चेंज करन जा रही है। नीरू बाजवा दी एक फिल्म हले भी सिनेमा हालां लगी हुई है, चल रही है और नए रिकॉर्ड जड़ी है वो कायम कर रही है। और असी दस दिए कली जोटा वो फिल्म हैगी है जिहड़ी कि लॉकडाउन तो बाद पहली यही फिल्म है जिहड़ी पंजाबी फिल्म च जिहड़ी चली है, जिन्हें सुपर डुपर जिहड़ी है हिट रही है। साढ़े नाल नीरू बाजवा, पहला तो मैडम बहुत बहुत मुबारक, थोड़ी पहली फिल्म जी बहुत हिट रही है, उस तो बाद हाले वो चल रही है, नाल दी नाल दूजी फिल्म जी तुसी हुण सिनेमाघरां च देखण नूं मिलेगी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच थोड़े प्यार करके, सो थैंक यू सो मच। किदा मतलब इदा मैं पहली बार देखने च मिल रहा भी मेरे ख्याल शायद हिंदी सिनेमा च भी इदा नहीं शायद होया भी किसी एक्टर दी या किसी एक्ट्रेस दी कोई यही फिल्म हो जिहड़ी कि हाले चल रही होवे ते दूजी फिल्म नाल दी नाल बैक टू बैक आ जाए। मैं बहुत ग्रेटफुल हाँ जी, रियली ऑनेस्टली बहुत ग्रेटफुल हाँ। तो मैं एक्चुअली इस बारे सोचा नहीं सी, बट थैंक यू सो मच, दूजी फिल्म भी देख जाओ इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एंड थैंक यू, आई कांट से एनीथिंग। इदा भी हो सकता भी तीजी भी पाइपलाइन च होवे, हाले चल रही होवे ते कुछ नया सोच रहे हो भी? हाँ जी नहीं, वो तो फिल्म तो तैयार है पर थोड़ा जब मतलब हजे फिलहाल हजे रिलीज नहीं करनी, वो डेट हजे असी फाइनल नहीं की। मैं मैडम एक चीज़ होर देख रहा सीगा नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट की लगातार फिल्मा जड़ियाँ लगातार आ रही हैं बक बक एक्ट्रेस नाल, लगभग सारे एक्ट्रेस जड़े आ नीरू बाजवा ने बुक कर रखे है। Oh my goodness, no, I don't know. नहीं तो नहीं, मतलब यू नो बहुत लकी हाँ कि यू नो जिन्हें भी आर्टिस्ट नाल काम किया है बहुत वधिया आर्टिस्ट ने, वधिया इंसान ने, एंड आई थिंक साडी इंडस्ट्री बहुत टैलेंट है एंड बहुत खुशकिस्मत है कि सारे नाल काम करन दा मौका मिलिया। इनिया मतलब तुम फिल्मा कितने 42 साल हो गए थोड़े इनू, तो की लगता है मैं कि एक्टर जरा सूँ लग्या हो जिन्होंने तुम सब तो ज़्यादा पसंद करते हो, जिद सब तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो? कंफर्टेबल मैं सारे नाल हाँ, मेरी जी फिल्म रिलीज़ होंगी वो मेरा फेवरेट एक्टर आ, सो अज जस बाजवा एंड कुलविंदर बिल्ला माई फेवरेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, आदित्य शर्मा विल ऑलवेज बी माई फेवरेट। साना कुलविंदर बिल्ला जी सर मैडम ने कहा भी जेडे मेरे फेवरेट एक्टर। थैंक यू जी, तो एक बहुत बड़ी माण वाली गल है जी, जिन्हों आप बचपन तो बचपन नहीं तो ठीक बचपन नहीं बचपन नहीं मैं कह सकता नहीं सिनेमे च एक्चुअली नहीं ये नहीं मैं तुझे पूरी गल नहीं सुनी, पूरी गल सुनी गल नहीं सुनी, ये बचपन तो ही लगे सी एक्टिंग करना। बड़ा फैन है उन्होंने वालों, ये गल कह देनी तो बहुत एक माण वाली गल है। वैसे बहुत वड्डी गल है क्योंकि मैं भी नीरू बाजवा मैडम काफ़ी देर फैन है जदों तो ये फिल्म बनाते आ रहे हैं। नहीं मैं पर बहुत लंबा समा सची एक एक लीजन कह सकते हैं कि इदा का लंबा समा तुसी पंजाबी सिनेमे लिए थोड़ा समा दिता, वो कमाल की गल है। नीरू जी उदा दे ही ने ते उदा दी कमाल दी ज्यों ज्यों अदाकारी बेस्ट। मैं एक चीज़ होर हैगी मैं देखिया भी थिएटर जड़ा हैगा वो मेल प्रोमिनेंट रहिंदा हमेशा जो फिल्म इंडस्ट्री हैगी है, पर तुसी अपनी कंपनी उतार के तुसी उसका उल्टा करन जा रहे हो टोटली। नो उल्टा नहीं करी, ना ही असी सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स करते हैं, असी उही फिल्म करते हैं मतलब जो सानू चंगी लगती है। ये फिल्म भी कोई फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, मैनू कली जोटा भी नहीं लगता कि वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म सी, वो एक फिल्म सी। आई नहीं कि मैं बैठनी हाँ तो मैं कहनी हाँ कि मेरा रोल सब तो स्ट्रॉन्ग लिखो बाकियों का मैं देखती नहीं, असी स्क्रिप्ट देखते हैं। हुण जिहड़ी असी हुण फिल्म बनाई आ उहदे विच भी मेरा इस फिल्म दे विच सारिआं दा अपना अपना है, मैं किसी का कुछ नहीं दी, मेरा जो कैरेक्टर है मैं वो करती हाँ। सो असी हाँ प्रोडक्शन इसलिए शुरू की है क्योंकि सानूं पैशन है फिल्म मेकिंग का एंड असी जो करना चाहते हैं जो देखना चाहते हैं आई फील लाइक कोई नहीं कर रहा एंड साडा एक तरीका हुंदा वी वुड लाइक टू वर्क लाइक दैट। सर तुसीं कितना कु सहमत हो मैडम तो? बिल्कुल जी टोटली सहमत है, जो इन्ना इन्ना एक्सपीरियंस इन्हों का इस सिनेमे बारे पंजाबी तो ओबियसली इन्होंने जो किया बिल्कुल टोटली एग्री। तो सर जो मतलब कि फिल्म ये जो हूँ तो तैयार हो गई आ फिल्म जिदा मैडम कह रहे भी मैं बिल्कुल कित कोई यही गल नहीं करती भी हाँ यार मेरा रोल जरा ज़्यादा होना चाहिए या कि भी मतलब कि मैं समझौते वाली कोई गल नहीं करती, पर सुनू की लगता भी गल ठीक हैगी उस दम हैगा या नहीं? बिल्कुल एक
एक चंगे आर्टिस्ट की यही निशानी होंगी है कि वह अपनी फिल्म को लेकर अगे चलता ना कि अपने आप को। तो इस फिल्म के भी जो गल करिए चल जिंदी ये अलग अलग आर्टिस्ट ने अपनी अपन कहानियां ने, पर किसी भी आर्टिस्ट ने यह नहीं कहा भी ये मेरी कहानी थोड़ा जो अगे रखा जाए। जे एग्जाम्पल मैं तो नीरू जी कह दिए भी असी एज ए प्रोड्यूसर भी हाँ तो सानू असी सब तो वही इदा देखिए मैनू लगता भी असी इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखा। असी इस फिल्म लई चल जिंदी लिए पूरे प्रोडक्ट लिए काम करता चंगा आर्टिस्ट जरा। मैं सोनू की लगता है ठीक बोल रहे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तभी ये फिल्म ठीक ही बोलता भाई गप थोड़ा मार दे। इस फिल्म एक्चुअली बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं और सबने सिर्फ अपना अपना काम अच्छे से किया तभी वो पूरी फिल्म अच्छी बनी। बाकी पंजाबी दी है इनसिक्योर फिल्म पंजाबी है हिंदी पंजाबी है जी। अच्छा लखनऊ तो आके दिक्कत आ रही है? नहीं जी ठीक है बोल लेनी है थोड़ी बहुत ही पंजाबी भी। दिक्कत आई कि नहीं? पहला तो साड़ी फिल्म का ना चल जिंदी है बिल्कुल। हाँ जी इस जान दूर कि सारी टीम ने बहुत वधिया काम किया। पंजाबी सिनेमे की मैनू लगता भी ये वो फिल्म साबित होगी जिहड़ी आने वाले समय च लोग क्या करनगे कि हाँ एक चंगा सबजैक्ट बन रहा पंजाबी सिनेमे दे विच जिवें कली जोटा सी। तो उदों बाद च इह जिहड़ा हुंदा कि करैक्टर हुंदा जी चाहे वह दो मिनट लई भी बंदा आवे उन्हें अपना काम कर ही जाना हुंदा। चाहे कोई बंदा दो घंटे फिल्म च रहे जे उन्होंने लोगों ने उन्होंने नहीं पसंद करना तो उहदा कोई फर्क ही नहीं पैंदा। ये डिमांड करदा जी डायरैक्टर कि किहदे तों की करवाउणा। मैनूं लगदा भी साडी तुसीं पोस्टर तों ही देख सकदे हो जिहड़ी झलक है घुग्गी भाजी दा आपका करैक्टर बहुत वधिया अदिति जी का बहुत सारिया का आपका आपका जिदा जिन्हों जिनी स्पेस मिली है वो मैं लगता भी आपका 100% देने की कोशिश की है। सर हूँ थोड़ा जहा फिल्म बारे आप गल कर लिया फिल्म की स्टोरी की है थोड़ा दसो। फिल्म की स्टोरी जी 24 मार्च में सारे सिनेमाघर जाओ जाके देखो असली स्टोरी उत्थे लोगों के दर्द की कहानी है। थोड़ा जहा नहीं उही है जो दिख रहा तुमने ट्रेलर देखा है सारे ने ट्रेलर देखा है जिन्हें नहीं ट्रेलर देखा फिलहाल ट्रेलर देखो उस तो बाद फिल्म 24 मार्च में सिनेमे के जाके देखो। थैंक यू सो मच। चल जिंदी फिल्म जी 24 मार्च में रिलीज़ हो जा रही है और नीरू बाजवा की जी फिल्म हैगी है तो कुलविंदर बिले की जी फिल्म हैगी है 24 मार्च में रिलीज़ हो जा रही है और नीरू बाजवा की ऑलरेडी जी फिल्म है वो लगी हुई है सिनेमा हॉल से। लेकिन फिर भी नीरू बाजवा एक यही एक्ट्रेस है जिदियाँ दो फिल्म मतलब कि कट्ठिया जड़िया बैक टू बैक सिनेमा हॉलों चलनगियाँ। जिदा कली जोटा जी फिल्म है वह हिट हुई है उदा ही लगता है कि ये फिल्म भी जी चल जिंदगी है ये भी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं दिनेश गोयल कैमरामैन अनिल दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तों।